नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना अगला वीडियो लेके हाजिर हूं। और आज ये वीडियो जो है ये आप लोगों के फीडबैक पे बन रहा है और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से इसी तरह से इलैबोरेटिव वीडियो मैं आपके दूं, क्योंकि कुछ मेरे को मैसेज आप लोगों ने भेजे हैं कि जो वीडियो है वो बहुत ही छोटे छोटे और उनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है, वो थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप। सो दोस्तों, कुछ टॉपिक ही इतने छोटे होते हैं कि उन पे हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट स्टिल आप लोगों ने चार पांच टॉपिक्स के बारे में थोड़ा क्लैरिटी मांगी है, तो आज मैं उन चार टॉपिक्स को इकट्ठा लेना चाह रहा हूं जो पिछले मैंने तीन चार दिनों में आपको दिए हैं, सो दैट कि आपको जो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए वो मिल जाए। और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो एज अ डॉक्टर हमने हॉस्पिटल में करना होता है, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूं, उसका बता नहीं सकता कि आप घर पे नहीं कर सकते हो। वो चीजें आपको हॉस्पिटल जाना है, पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, चेकअप कराना है, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं। ये जो वीडियोज हैं ये बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, ये ट्रीटमेंट वीडियोज नहीं है किसी भी हिसाब से, और इनका ये उद्देश्य नहीं है कि आप इनके हिसाब से कुछ भी घर पे मैनेजमेंट करने लग जाएं। ये जस्ट उस लिए है कि अगर कोई नॉर्मल चीजें हैं उसके लिए आप थोड़ा श्योरिटी रखें, और फिर भी अगर आपको लगता है बच्चे में डाउट है, कोई दिक्कत है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से जाके सलाह जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको जाके डॉक्टर से चेकअप करा के सलाह लेना ही बेहतर है। इन्फॉर्मेशन इसलिए कि छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं न्यूबॉर्न में जो कि नॉर्मल होती हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए ये एक चैलेंज होता है कि उनको पता नहीं चलता है कि अब क्या करना है। सो, जितने भी न्यूबॉर्न सीरीज में वीडियोस हैं ज्यादातर इन्फॉर्मेटिव हैं, और उसमें कुछ गाइडेंस होती है आपको घर पे मैनेजमेंट के लिए, और कुछ गाइडेंस होती है कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो आज जो चार टॉपिक मैं लेने वाला हूं, पहला टॉपिक है डिहाइड्रेशन फीवर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड टॉपिक है बच्चों में जो वजाइना में म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। थर्ड टॉपिक है बच्चों में वजाइना में जो ब्लीडिंग होती है लड़कियों में, है ना, गर्ल चाइल्ड होता है तो म्यूकॉइड डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, तो वो टॉपिक है दो। और एक टॉपिक है मैस्टाइटिस न्यूनेटरम, बच्चों की न्यूबॉर्न के जो ब्रेस्ट होते हैं उनसे कई बार कुछ फ्लूड आता रहता है, और बहुत सारे पुराने लोगों में, पुराने जो मिडवाइफ्स होती हैं और घर के बुजुर्गों में ये आदत होती है कि उसको निचोड़ते रहते हैं, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, चीरा लगाना पड़ जाता है। तो हम इन चार चीजों के बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेटिव होके बात करते हैं। तो पहली चीज है कि डिहाइड्रेशन फीवर, ये गर्मियों में प्रॉब्लम ज्यादा आती है लेकिन सर्दियों में भी आ सकती है। बेसिकली जब एनवायरनमेंट बहुत गर्म हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है, और उन बच्चों के साथ आती है जिनको फीडिंग प्रॉपर नहीं करवा रही है मदर, या बॉन्डिंग नहीं हुई है, या फीडिंग लैचिंग नहीं हुई है और प्रॉपरली फीड नहीं करवा पा रहे हैं, वो दूध जो है ब्रेस्ट से निकाल निकाल के चम्मच से पिला रहे हैं। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड अच्छे से करने लग जाता है तो बच्चे को हमेशा अच्छा ब्रेस्ट फीड मिलता है और ये प्रॉब्लम कम आती है। सेकंड, गर्मी अगर बहुत ज्यादा हो, एयर फ्लो नहीं हो जहां पे बेबी रखा हुआ है, और हम ज्यादातर बच्चे को पहले दिन से ढकने के लिए बोलते हैं क्योंकि पहले दो दिन ढकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चा बहुत ज्यादा गर्म फील कर रहा है, कंटिन्यूसली रो रहा है, और आप देख रहे हो कि उसका टेम्परेचर 38 डिग्री के आसपास है और उस ऊपर रह रहा है सेंटीग्रेड में, या 100 पॉइंट से ऊपर रह रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जो है थोड़ा सा अनरैपिंग करनी है, थोड़ा फीडिंग पे ध्यान देना है, यूरिन आउटपुट पे ध्यान देना है, कितनी बार बच्चा सुसु कर रहा है, क्योंकि अगर बच्चा दिन में दो बार रात में दो बार सुसु कर रहा है तो लगभग ठीक है, अगर चार पांच छह बार सुसु कर रहा है 24 घंटे के अंदर तो बेहतर है, तो मतलब दूध की कोई कमी नहीं हो रही है, दूध बिल्कुल पूरा हो रहा है। अब रह गया डिहाइड्रेशन फीवर, तो हो सकता है अगर दूध ठीक पी रहा है सब कुछ, लेकिन बच्चा अगर एक्टिव नहीं है, दूध बिल्कुल नहीं पी रहा है, तो वो बीमार हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो
आपको फिर भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, चेकअप कराना जरूरी है और जरूरत पड़ने पे टेस्ट कराना भी जरूरी है। तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज हो गया। अब सेकंड रह गया, छोटे बच्चियों में जब पैदा होते हैं तभी कई बार सामने सामने म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, मतलब एक म्यूकस जैसा प्लग बना होता है वेजाइना के ऊपर, और फिर वो कई बार डेली आता है। तो जब भी बच्चे को बात करें तो वो प्लग साफ हो जाता है, उसको सिर्फ पानी से साफ करना है। दैट इज अ जस्ट नॉर्मल बॉडी की एक्सक्रीशन है और वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया कि छोटी बच्चियों में जो ब्लीडिंग शुरू होती है, तो ज्यादातर चौथे या पांचवें दिन पैदा होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है मेटरनल हार्मोन्स की विड्रॉल की वजह से, प्रोजेस्टेरोन के विड्रॉल की वजह से, और वो अगले 5 से 7 दिन चलती है। लगभग उतनी ही चलती है जितना मदर का मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरेशन होता है, 5 से 7 दिन चलती है। फिर भी अगर बच्चे को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हो सकता है कोई क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, और डॉक्टर के पास एक बार दिखाएं, विटामिन के लगा है नहीं लगा है रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। और 4-5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग चल रही है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग चल रही है तो कोगुलेशन प्रोफाइल करवाने की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ अगर बच्चा दूध कम पी रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है या हाई जा रहा है, फीवर हो रहा है, या बच्चा आपको थोड़ा लग रहा है कि उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है और एक्टिविटी कम हो रही है, लथार्जिक हो रहा है, तब भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि वो सेप्सिस हो सकता है, सेप्सिस में भी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग पॉइंट्स होते हैं बॉडी में। फिर तब बहुत सारी चीजें होती हैं, उतना ज्यादा मेडिकली आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आप जाके दिखा सकते हैं। बट अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, देन बी एश्योर्ड कि नॉर्मल है, क्योंकि डॉक्टर ने चेक कर लिया कि बच्चा आपका सही है, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमारे हो गए। अब चौथा टॉपिक है मैस्टाइटिस न्यूनेट्रम। तो वो टॉपिक ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका ब्रेस्ट जो होता है कई बार सूज जाता है, 4थे 5वें दिन से वो सूजने लग जाता है और उसमें से फ्लूड आता है। अगर दबाएंगे तो हमेशा फ्लूड आएगा, लिक्विड थोड़ा सा व्हाइटिश कलर लिए हुए दूध जैसा ही फ्लूड आता है, सीरियस फ्लूड होता है। अगर उसको निकालते रहेंगे स्टिमुलेशन बनी रहेगी और वो निकलता रहेगा और ब्रेस्ट साइज बढ़ता रहेगा, या उसमें फिर क्या होता है इन्फेक्शन भी हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसकी वजह से कई बार एब्सेस बन जाती है। जब एब्सेस बन जाएगी तो चीरा लगाना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा तो वो एक बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर है उसको कुछ ना करें। अगर आपको लग रहा है 4थे 5वें दिन से बच्चे का ब्रेस्ट साइज बढ़ रहा है, आपने कुछ नहीं करना है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं, उनको एक बार चेकअप कराना, वो आपको समझा देंगे और बच्चे को एक्सरसाइज भी कर लेंगे कि वहां कोई दिक्कत, अगर वो जगह लाल हो गई है, निपल्स के साइड की जगह लाल हो गई है, हार्ड हो गई है और पिलपिली लगने लगी है, पस जैसी लगने लगी है, फीवर हो रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अगर वैसे दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो चीरा लगाने की जरूरत है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको दबाया ना जाए, निचोड़ा ना जाए, मालिश ना की जाए। तो ये 3 चीजें उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये 4 टॉपिक मैंने डिटेल में आपको बता दिए कि कहाँ क्या करना है, और आई होप ये 4ों टॉपिक के बारे में आपको समझ आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ और टॉपिक मैं पीछे से ले लूंगा डिटेल आपको और एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आप जैसे भी मेरे को सजेशन भेजेंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा, और कल मैं किसी और विषय पे, नए विषय पे एक वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।